आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और हरियाणा में अकेले खनन में 1,00,000 करोड़ का घोटाला करने के आरोप लगाए और कहा कि आने वाले दिनों में और भी कई घोटालों की पोल खोली जाएगी। अशोक तंवर नरवाना के धमतान गाँव में परिवर्तन रैली को संबोधित कर रहे थे। आज हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं। खनन के अंदर जो माइनिंग होती है नदियों के अंदर रेते की पत्थर की और उधर पहाड़ हमारे दक्षिण हरियाणा भिवानी महेंद्रगढ़ दादरी के अंदर 1,00,000 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया है। और भी कई नई नई चीजें सुनने में आई है और उसका खुलासा आने वाले दिनों में हम करेंगे। इसी दौरान रैली में भीड़ जुटाने के लिए महिला डांसरों ने जमकर ठुमके लगाए। तंवर ने इनेलो और बीजेपी के आपस में मिले होने के आरोप भी इस दौरान लगाए। अशोक तंवर ने कहा कि जींद में अमित शाह की रैली में सैकड़ों करोड़ों खर्च करने के बाद भी भीड़ नहीं आई। बीजेपी ने 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक भीड़ जुटाने के लिए दिए और मोटरसाइकिलों में बकायदा पेट्रोल भी डलवाया गया, लेकिन फिर भी भीड़ इकट्ठी नहीं हुई और हुंकार रैली अहंकार रैली हो गई। जींद के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, युवा हुंकार रैली का नाम दिया था। 2 महीने से तैयारी चल रही थी उस रैली की। 100 करोड़ रुपए बता रहे कि उसके ऊपर खर्च हुआ। एक एक व्यक्ति को 500-500, 1,000-1,000 रुपए देकर के लाने की कोशिश हुई। मोटरसाइकिलों की टंकी भरवा दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने टोटल मिलाकर के 28 ब्लॉक बनाए थे। भाई यहाँ किसके ब्लॉक बनेंगे, यहाँ तो जन सैलाब उमड़ा हुआ, ब्लॉकों की जरूरत वहां होती है। यहाँ पर दिखाना हो बताना हो कहाँ से कितना है। और जिसको ये कहते थे युवा हुंकार रैली, वो हुंकार रैली तो नहीं थी, वो अहंकार रैली थी। घमंड था कि पता नहीं हम क्या करेंगे। और ये कह रहे थे कि पूरे देश के लोकसभा जो 2019 में चुनाव है उसकी शुरुआत हम करेंगे, लेकिन बाद में चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे अमित शाह हो, जब हुंकार रैली साबित होगी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खतरनाक रैली साबित हुई। तंवर ने इनेलो बीजेपी पर मिलीभगत के आरोप लगाते हुए कहा कि आज तक SYL का पानी इनकी मिलीभगत से ही नहीं आ सका है। मिलकर के चुनाव लड़ते थे आप जानते हो, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी। आज SYL का पानी ये कहते हैं पानी लेकर के आओ, ऐसा करो वैसा करो। ये SYL का पानी आज तक क्यों नहीं हरियाणा को मिला, ये आप सबको अच्छे तरीके से मालूम होगा। ये इसी इनेलो और भारतीय जनता पार्टी की और वहां पर पंजाब में अकाली दल की करामात है कि हरियाणा को पानी से महरूम रखा। इसलिए आज हरियाणा के अंदर पूरा इस सरकार को उखाड़ फेंकने का जो एक लोगों के अंदर जज्बा और जुनून है, उसको हम सब लोगों को मिलकर के पूरा करना है। नरवाना से गुलशन चावला की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।